नमस्कार। प्रयागराज की तमाम विद्वजन, प्रयागराज के तमाम विद्वजन और प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं, श्रद्धेय गुलाब भाई साहब, आज आपको इस छोटे से आयोजन में सुधारने का निमंत्रण दिया है और आपके आपको अपने बीच में जाके बेहद प्रसन्नता हो रही है। आप लोगों के मस्तिष्क में निश्चित रूप से एक सवाल होगा कि हमको आज क्यों आमंत्रित किया गया है और पत्रिका ने का क्या कार्यक्रम है और ये इस आयोजन का प्रयोजन क्या है। तो जैसे कि मतलब कई तरह के सवाल भी आ रहे थे कि क्या पत्रिका अपनी कोई व्यवसायिक गतिविधियां अभी शुरू कर रहा है या कोई अखबार निकाल रहा है या कुछ और है। इस तरह के सवाल के जवाब सवाल आपके मन में जरूर आ रहे होंगे, उसी का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और एक साथ जैसे कि बताया कि कार्यक्रम का नाम एक संवाद सेतु है और एक मोटा मोटा उद्देश्य है कि आप लोगों से चर्चा करना शहर के बारे में और समाज के बारे में और कुछ निष्कर्ष पर पहुँचने की तैयारी करना। चूंकि हम पत्रिका समूह एक मीडिया संस्थान है तो मैं बात शुरू करूँगा कि मीडिया को आप अगर देखें तो एक मीडिया की भूमिका पे थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा कि आज़ादी के समय मीडिया या पत्रकारिता की भूमिका, जैसे कि आप सब जानते हैं इलाहाबाद प्रयागराज एक विद्वजन की नगरी है और यहाँ से काफ़ी लोग निकलकर पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय जगह में छाए हैं। तो एक पत्रकारिता जो स्वतंत्र अपना जो देश का स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े ज़्यादातर नेता और जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो कहीं ना कहीं उनमें से काफ़ी लोग पत्रकारिता से जुड़े थे। महात्मा गांधी स्वयं एक अखबार निकालते थे और भी कई स्वतंत्रता सेनानी इसी तरह पत्रकारिता से जुड़े थे। स्वाधीनता मिलते ही ये एक उद्देश्य पूरा हो गया। उस समय की जो पत्रकारिता का था कि देश को आज़ाद कराना है, स्वाधीनता संग्राम में अन्य लोगों के साथ एक योगदान देते हुए आज़ादी हासिल करनी है और वो लक्ष्य पूरा हो गया। उसके बाद जब देश आगे बढ़ने लगा तो स्वतंत्रता के साथ साथ ये भी रहता है कि कई चीज़ें अव्यवस्था भी आती हैं, उनको विकास भी करना था, नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करनी थी और ये सब एक व्यवस्थित तरीके से हो ये प्रयास करना था। तो इसके लिए पत्रकारिता की भूमिका कुछ बदल गई और ये रहा कि जो समाज या देश में जो एक तो जो गलत चीज़ें हो रही हैं उनका विरोध करना, उनके संघर्ष करना और जनता को पाठकों को जो भी लोग हैं उनको उनकी राह आसान करना, जीवन आसान करना, उनको सशक्त करना, ये सारी चीज़ें जुड़ती चली गई पत्रकारिता के साथ और काफ़ी समय तक ये सिलसिला ठीक चला और पत्रकारिता का विकास होता गया। अलग अलग माध्यम आते रहे, अखबार आए, टीवी आया, रेडियो आया और अब तो डिजिटल माध्यम भी आ गया है काफ़ी समय से। लेकिन इसके साथ साथ एक जो चीज़ जो आप लोग महसूस करते रहे होंगे एक कि पत्रकारिता में धीरे धीरे अपनी राह से भटकने लगी पत्रकारिता मीडिया और मीडिया के साथ ही कई मीडिया में कई ऐसी चीज़ आ गई जिसकी हमको कतई अपेक्षा नहीं थी। सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि एक व्यवसायीकरण हावी हो गया मीडिया के ऊपर और मुख्य उद्देश्य पत्रकारिता का या मीडिया का ज़्यादातर मीडिया समूहों का ये रह गया कि वो या तो अपना किसी तरह से पैसा कमाए या फिर उनके दूसरे व्यवसाय होते थे
तो उनका संरक्षण किस तरह से इस अपने अखबार या दूसरे साधनों के माध्यम से किया जाए, ये एक उद्देश्य हो गया था। इसके साथ ही कुछ जो एक मीडिया से पत्रकारिता से जुड़ी कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं, उनका ह्रास होने लगा। जैसे खासतौर से विश्वसनीयता, निष्पक्षता, साहसिकता, ये तीन चार कुछ इस तरह के सिद्धांत हैं जो कि अपेक्षा की जाती है कि मीडिया में रहने ही चाहिए, लेकिन ये धीरे धीरे इनका ह्रास होने लगा और मीडिया निष्पक्षता की तो बात ही क्या कहें। आज यहाँ का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जैसे हम मेरा दिल्ली जाना और भी बड़े शहरों के मैं पत्रकारों को जो देखता हूँ तो सब पार्टियों में बटे नजर आते हैं। कोई कांग्रेस का पत्रकार है, कोई भाजपा का पत्रकार है, कोई समाजवादी पार्टी का पत्रकार है, कि किसी न किसी पार्टी से जुड़ चुके हैं। और ज्यादातर लोग, सब कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों की ये स्थिति रहती है कि वो उन अखबार पार्टियों से, दलों से जुड़ चुके होते हैं। और इसी तरह से सब कोई सरकार से जुड़ के काम करता है, कोई किस तरह से काम करता है, लेकिन जो इस निष्पक्षता को भूल के पक्षपात वाली पत्रकारिता शुरू हो गई कि मैं जो बीट रिपोर्टर है उसने उसके पक्ष में ही खबर देनी शुरू की, जिसके लिए वो काम कर रहा है, जिस बीट का काम कर रहा है उसके विरोध में खबर देने की कोई सोचता नहीं है। तो एक वो ये चीज खत्म हो गई और इस तरह की एक जिसकी अपेक्षा थी कि एक निष्पक्ष खबरें समाज के सामने रखेगा मीडिया समूह, वो धीरे धीरे खत्म होती चली गई। दूसरी बात साहसिकता, साहसिकता का होना तो ये चाहिए कि जो बड़ी बड़ी गड़बड़ियां हो रही हैं, घोटाले हो रहे हैं, जो माफिया जगह जगह काम कर रहे हैं, सरकारें मनमानी कर रही हैं, उनके खिलाफ थोड़ा साहसपूर्ण तरीके से कदम चलाई जाए बिना अंजाम की परवाह करते हुए। लेकिन इसमें भी उंगलियों पर गिनाए जाने लायक मीडिया संस्थान होंगे जो इस दिशा में आगे कर रहे हैं, और ज्यादातर लोगों ने एक तरह से सतही पत्रकारिता शुरू कर दी कि जो चल रहा है रोजमर्रा का वो देना शुरू कर दिया, या मनोरंजन के नाम पर दूसरी चीजें देनी शुरू कर दी। तो एक ये हो गया विश्वसनीयता की, जिसमें बात करूं तो विश्वसनीयता का आज ये हो गया कि आज जब से डिजिटल मीडिया हावी हुआ है तो फेक न्यूज इतनी चल गई कि पता ही नहीं चलता कौन सी खबर सही है कौन सी गलत है। कभी अफवाह फैलाने वाली खबर आ जाती है, कभी जो सोशल मीडिया और इनके माध्यम से इस तरह की चीज़ आ जाती है कि किसी दूसरे देश की घटना है उसकी फोटो उठा के कहीं लगा दी, किसी घटना का विवरण कहीं और का है वो इधर लगा दिया, कोई 3 साल पुरानी घटना है उसको लगा दी। इस तरह से फेक न्यूज भी खूब चल गई, मतलब विश्वसनीयता भी खत्म हो गई। तो ये आज एक कम से कम जो पाठक है, आम नागरिक है, आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे कि एक इस तरह की छवि मीडिया के बारे में बनने लगी है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि मीडिया जिसको कि जिसका काम जनता के दुख सुख में भागीदार बनना था, उनकी समस्याएं कम करना था, उनके लिए संघर्ष करना था, उसका होने न होने का क्या मतलब रह गया है। इन सारी परिस्थितियों के बीच अब मैं थोड़ा सा पत्रिका समूह की बात करना चाहूंगा कि पत्रिका समूह के बारे में आप लोग में मुझे लगता है कि काफ़ी लोग परिचित होंगे। यहाँ से अखबार नहीं निकल रहा, लेकिन पत्रिका.com पिछले 6 साल से उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है और निरंतर लोकप्रियता हो रहा है, इसके करोड़ों इसके व्यूअर हो गए हैं और इसकी खबरों पर एक्शन लिए जाने लगे हैं। तो ये तो एक मध्य प्रदेश की उत्तर प्रदेश की बात है, लेकिन जब दूसरे जहाँ पे अखबार निकल रहा है पत्रिका का, वहाँ पे आप अगर देखेंगे पत्रिका के बारे में, अगर किसी से पूछेंगे भी, फोन करके भी पूछेंगे, तो आपको एक नज़र आएगा कि महसूस होगा कि ये बिल्कुल अलग तरह का मीडिया समूह है। ऐसा क्या है इसमें और ऐसा क्यों है, ये मैं बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि पत्रिका समूह एक, जैसा कि बताया था महेंद्र जी ने, कि एक व्यावसायिक समूह उस तरह से नहीं है, न इसमें कोई कॉर्पोरेट कल्चर जैसी कोई चीज़ आई है,
और अभी भी अपने पत्रकारिता के सिद्धांतों के प्रति अडिग है, अडिग रहता है। इसका इसमें एक पूरा पूरे संस्थान में एक ऐसा वातावरण है जैसे कि परिवार के सदस्य रहते हैं। जैसे आदरणीय गुलाब भाई साहब हैं, इनको पूरे संस्थान के लोग हमारे सब बड़े भाई साहब कहकर पुकारते हैं। कुलीर जी थे, उनको बाबू जी कहकर पुकारते थे। ऐसे ही रिश्ते तरह तरह के बना रखे हैं और बिल्कुल एक परिवार की तरह निकाल रहे हैं और बिना किसी से डरे सब ये समूह का काम आगे बढ़ रहा है। और काफी लोग हमारे यहाँ ऐसे मिल जाएंगे जो दो दो तीन तीन जनरेशन से इस संस्थान से जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। मतलब उनके बच्चे भी काम कर रहे हैं, उनके बच्चे भी, मतलब जिस तरह से आज हमारे संपादक मोदी की तीसरी पीढ़ी जुड़ चुकी है, ऐसे ही कर्मचारियों की भी, पत्रकारों की भी तीसरी पीढ़ी आज इसी अखबार में जुड़ के काम कर रही है, इसी मीडिया संस्थान में जुड़ के काम कर रही है। तो उसका जो सबसे बड़ा एक तो ये पारिवारिक वातावरण है, दूसरा उसका कारण ये है कि जो परिवार इसके पीछे हैं, जो आदरणीय गुलाब जी भाई साहब और उससे पहले उनके पिताजी जो कपूर चंद जी कुलिश, जिन्होंने ये अखबार शुरू किया, वो सब एक स्वयं पत्रकार हैं। मतलब मूल रूप से सब पत्रकार हैं और कुलिश जी तो स्वयं एक रिपोर्टर थे। जब उन्होंने अखबार शुरू किया उससे पहले एक राजस्थान के सबसे बड़ा अखबार था, उसमें वो रिपोर्टर के रूप में काम करते थे। और उनको कुछ समय काम करने के बाद ये महसूस होने लगा कि उनकी कलम पर अंकुश लगाए जाने लगा है अखबार की तरफ से, संस्थान की तरफ से। मेरा निर्णय किया ज़्यादा, हमने देखा कि कुछ मित्रों और 500 रुपये कहीं से उधार लेके उन्होंने एक पन्ने का अखबार जयपुर से शुरू किया जो उस समय सायंकालीन था, और उसमें इस तरह के मुद्दे उठाने शुरू किए जो कि शहर में उस समय बहुत आवश्यक थे, लेकिन जो बड़े अखबार थे वो उनको उठाते नहीं थे किसी ना किसी वजह से। तो उसका नतीजा वही हुआ कि अखबार एकदम लोकप्रिय होता चला गया, पाठक जुड़ते चले गए, अखबार का विस्तार होता चला गया। पहले सायंकालीन अखबार था 2 पन्ने का, उससे 4 पन्ने का हुआ, 8 पन्ने का हुआ, फिर दैनिक सुबह का अखबार बदला, फिर जयपुर से निकलकर जोधपुर, उदयपुर और धीरे धीरे करके पूरे राजस्थान में 15 जगह से इसके संस्करण निकलने लगे। राजस्थान से निकलकर मध्य प्रदेश पहुंचा, वहां पे भी इसके बड़ी संख्या में संस्करण निकलने लगे जो अभी भी निकल रहे हैं और मध्य प्रदेश के कोने कोने में जा रहा है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी पूरे स्टेट में निकल रहा है, इवन नक्सल प्रभावित बस्तर से भी इसका एडिशन है। तो ये देखते देखते मतलब तीनों इन स्टेट्स में छा चुका है और एक सबसे अग्रणी अखबार और लोकप्रिय अखबार भी बन चुका है। उत्तर प्रदेश में जो कि अब नए जमाने के साथ नए नए साधन आ रहे थे, तो हमने एक पत्रिका .com के रूप में इसको शुरू किया। और लेकिन देवर वही बरकरार रखे, आप अगर आप में से किसी ने साइट देखने का मौका मिला हो तो वही चीजें जो साहसिकता, निष्पक्षता और जो इसके पूर्ण थे वो इसमें भी बरकरार रखी। कुछ उदाहरण देना चाहूंगा कि मैं साहसिकता, मतलब बात तो मैं रखूँ कि साहसिकता, लेकिन अगर इसको उदाहरण के साथ करूँ तो शायद उनको समझ में आएगी कि जैसे पिछली सरकार, इससे पहले जो सरकार थी राजस्थान में, तो उसमें एक बिल पास किया सरकार ने, और उस बिल में ये प्रावधान था कि किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ अगर कोई खबर लिखी जाएगी तो सरकार से अनुमति लेनी होगी, और अगर अनुमति लिए बिना लिख दिया तो पत्रकार को सीधा जेल होगा। ये कानून पास हो गया विधानसभा से, हमने इसको काला कानून माना, दूसरे किसी मीडिया ने इसको नहीं उठाया, इतनी सी खबर दे दी कि यहाँ कानून पास हो गया। हमने इसको बड़ा मुद्दा बनाया, इसको काला कानून नाम दिया और इसके खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया। अखबार में भी सरकार की जो प्रचारात्मक खबरें थी उनको फ्रंट पेज पे आलेख लिखकर उनका बायकॉट शुरू किया, और जब तक काला तब तक ताला करके एक अभियान शुरू किया। ये अभियान लंबा चला और इतना हमने दबाव बनाया कि सरकार को विधानसभा में ही
इस कानून को वापस लेना पड़ा। छत्तीसगढ़ जब हम गए तो वहां पे जो बड़े पदों पर बैठे हुए कुछ लोगों के ने मतलब माइनिंग और दूसरी चीजों में करप्शन था, आदिवासियों के लिए जो धन आ रहा था उसको हड़प लिया जाता था, दूसरी तरह की गलत चीज चल रही थी, उन पर हमने जब लिखना शुरू किया तो वहां पे सरकार भी नाराज हुई और जिनके काम धंधे प्रभावित हुए उन्होंने भी हम पे तरह तरह के उत्पीड़न शुरू कर दिए। हमारे पत्रकारों को, हमारे संवाददाताओं को विधानसभा में प्रवेश सब पर रोक लगा दी गई। जो नक्सली प्रभावित बस्तर क्षेत्र है उसके कई जिलों में उनके खिलाफ मुकदमे, फर्जी मुकदमे दायर कर दिए गए और इस तरह के काफी वो विज्ञापन सरकारी बंद कर दिए गए, वो तो एक बात है। ये चीज शुरू हुई ऐसी मध्य प्रदेश में हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि हमने इस तरह के मुद्दे लगातार उठाते रहे और चाहे सरकार हो चाहे दूसरे लोग हो जो गलत काम कर रहे हैं उन पे, उनकी कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको भी उतनी बराबर तवज्जो दी जाती थी, लेकिन अगर गलत काम कर रहा है तो हम उसको मतलब उसको खबर देनी ही है, फिर उसके लिए अभियान चलाना ही है। ये एक पत्रिका का गुण माना जाता है और आज भी माना जाता है कि पत्रिका में किसी ने कोई खबर दे दी अगर प्रमाण सहित किसी ने पहुंचाई है तो खबर कभी नहीं रुकेगी। ये एक हमारी विश्वसनीयता की बात है और जो हमारे पत्रकार हैं हमारे यहाँ जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी सब जानते हैं कि वह न किसी लोभ में आएंगे न किसी भय में आएंगे। और कभी यदा कदा किसी की शिकायत मिल भी जाती है हमको और अगर प्रमाणित हो जाती है तो वो उस दिन के बाद संस्थान में रहता नहीं है। इस तरह के पूरा बना रखा है ताकि पत्रकारिता के सिद्धांतों पे हम अड़िग रहे और आगे बढ़ते रहें। इस तरह के कई अभियान, ये तो मैंने कुछ सरकार की बात बताई थी, जैसे मोबाइल कंपनियों पे आज से कुछ समय साल पहले हमने एक अभियान उठाया था, उस समय बड़े तादाद में मोबाइल के टावर लग रहे थे और उसमें जो रेडिएशन निकलता था वो 4500 मिली मीटर या कुछ मेगा ऐसे कुछ यूनिट होती है उतने का निकलता था हर्ट्ज में, जो कि अत्यंत वो था शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला, कई लोगों के कैंसर होने लगे थे। हमने वो मामले उठाए, कैंसर के लोगों से भी बात की, पता चला कि उनके घर के पास ही टावर लगे हुए हैं उसके कारण हो गया, कई लोगों के पूरे परिवार में कैंसर हो गया, इस तरह की चीजें सामने आने लगी। तो हमने उसको अभियान के रूप में चलाया और नतीजा यह हुआ कि जितनी भी मोबाइल कंपनियां हैं सब हमारे खिलाफ हो गई, मिलके उनके संगठन जो था उन्होंने हमारा विरोध कर दिया तो हमारे विज्ञापन बंद कर दिए। लेकिन चूंकि जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा था तो हमने अपना अभियान जारी रखा। आखिरकार केंद्र सरकार को अपनी नीति में राष्ट्रीय स्तर पर संशोधन करना पड़ा और रेडिएशन को 10 गुना कम करके मानक, जो कि ज्यादातर देशों में मान्य है, उतना करके मंजूरी दी, तो जिससे कि अब जो रेडिएशन आता है वो उतना घातक नहीं रहता। ऐसे कीटनाशक जो हैं उनके ऊपर अभियान शुरू किया, क्योंकि हम देख रहे थे कि जैसे राजस्थान का गंगानगर क्षेत्र है या पंजाब के इलाके हैं जहाँ पे कि फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति के नाम पे या उस कीटनाशकों का अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का और कीटनाशकों का अंधाधुंध उपयोग शुरू कर दिया गया और उसका नतीजा ये हुआ कि वो फसलों में, उनके उत्पादों में, चारा खाने वाली गायों के दूध में, इवन माँ के दूध में भी कीटनाशक मिलने लगा। हमने उनके सब जगह के सैंपल लिए और जो प्रतिष्ठित लैब हैं उनसे टेस्ट कराए और उनके रिजल्ट छापे कि इन कीटनाशकों का इतना नुकसान हो रहा है, एक अगर आप संयमित तरीके से उपयोग नहीं करेंगे या दूसरे वैकल्पिक उपायों पर काम नहीं करेंगे तो पूरी मानवता पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। वो पूरा इलाका एक कैंसर के मरीजों से भर गया था और राजस्थान में ट्रेन आने लगी थी गंगानगर से पंजाब से, उसका नाम ही कैंसर ट्रेन हो गया था। वो अभियान चलाया तो उसके फिर इस तरह से ही सारी जो रासायनिक उर्वरक बनाने वाली कंपनियां थी उन्होंने हमारे खिलाफ मुकदमा कर दिया और वो हमने उसको अपने संघर्ष करते रहे, लेकिन तमाम तरह के दबाव आए लेकिन हमने अपना अभियान बंद नहीं किया। ऐसे अनेक उदाहरण है, मतलब हर संस्करण में इस तरह के अभियान चलते हैं
और इसका नतीजा होता है कि पत्रिका पाठकों के साथ जुड़ता चला जाता है, उसका परिवार बढ़ता चला जाता है और लोगों को एक विश्वास बना रहता है कि हाँ अभी पत्रकारिता में ऐसे समूह हैं, ऐसे संस्थान हैं जो एक कुछ सिद्धांतों को लेकर काम कर रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहूंगा, कुलदीप जी की बात बताई मैंने, आप गुलाब जी भाई साहब के समक्ष बैठे हैं, आपने कितने समाचार पत्रों के प्रधान संपादकों को स्वयं लिखते हुए देखा है। पहली बात तो ये, आप स्वयं लिखते हैं, आपके आलेख छपते हैं बिल्कुल ऐसे विषयों पर जो कि आपके मन को झकझोरने बल्कि असर डाले, कुछ ना कुछ असर डाले। आपके कई आलेखों के ऊपर कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया और आदेश दिया, रोक लगाई गलत काम करने वालों को, सरकार को निर्देश दिए, जयपुर के मास्टर प्लान से छेड़छाड़ हो जा रही थी, ग्रीन बेल्ट पे अतिक्रमण हो रहे थे, जब सरकार की इच्छा करती थी वो उपयोग बदल देता था, उसके खिलाफ वैसे में लिखा तो उसको हाईकोर्ट ने उसको रिट याचिका मानते हुए उस पर रोक लगा दी कि मास्टर प्लान में कोई बदलाव नहीं कर सकते। सरकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई उस पर और आज तक वो लागू है और इसका नतीजा ये हुआ कि अब राजस्थान में अतिक्रमण वगैरह काफी हद तक रुक चुके हैं और ग्रीन बेल्ट या जो मास्टर प्लान में जो एक आयोजना जिस तरह से बनाई गई थी वो लागू हो रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस तरह के अभियान हैं, सामाजिक सरोकारों से जुड़े काम हैं, जैसे कि ये जो अमृतम जलम एक अभियान चलाता है पत्रिका, जिसमें जितने भी जलाशय हैं, पारंपरिक जलाशय जल स्रोत हैं, कुएं बावड़ी तालाब, उनमें हर साल जो मलबा आ जाता है, कीचड़ आ जाता है, अतिक्रमण हो जाता है, उनकी सफाई की जाती है और जनता के मदद से बिना कोई सरकारी सहायता लिए हुए या किसी और की सहायता लिए हुए केवल जनता से आह्वान किया जाता है कि आप आइए और इनकी सफाई कीजिए। बरसात से ठीक पहले जब बिल्कुल कड़ी गर्मी होती है उस समय अभियान किया जाता है, तो इतनी तेज धूप में भी लोग आते हैं, श्रमदान करते हैं और उनको साफ करते हैं, हर साल उनमें पानी आता है। और एक ये इस तरह का अभियान मध्य प्रदेश का बड़ा तालाब था, आपने अगर आप भोपाल गया हो तो आपको मालूम होगा बड़ा तालाब वहाँ का सबसे बड़ा तालाब है, जो लगभग उसमें कब्जे होने लग गए थे कि मलबा भर गया था आधे तालाब में, वो इस तरह से पत्रिका ने अभियान चला के साफ करवाया, पूरा भोपाल के सारे नगरवासी उसमें जुट गए। इवन वहाँ पे एक किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी, प्रकाश झा की फिल्म की, पूरी यूनिट आई हुई थी उसकी, उन्होंने एक दिन के लिए शूटिंग रोकी और उसमें श्रमदान किया उन्होंने, और आज नतीजा ये हुआ कि वो उसमें सैकड़ों टन वहाँ से मलबा निकाला और वो तालाब बिल्कुल साफ किया, जिससे कि अब वो लबालब भरा है, बोटिंग होती है, सब कुछ होती है, भोपाल नगर की सुंदरता वापस अपने रूप पे आ गई। इस तरह के अभियान, सामाजिक अभियान पत्रिका लगातार जारी करता रहता है, चलाता रहता है। उत्तर प्रदेश में हमारा कोई अखबार है नहीं, लेकिन भाई साहब स्वयं जब भी मौका मिलता है भ्रमण करते रहते हैं, अलग अलग जिलों में यात्राएं करते हैं और नागरिकों से मिलते हैं, उनमें इस तरह के आयोजन करके ये जानते हैं कि आपके यहाँ के इश्यूज क्या हैं, किन लोगों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर आपकी परेशानी हो रही है या और आपकी अपेक्षाएं क्या हैं, जनप्रतिनिधि किस तरह से काम कर रहे हैं, कई तरह की चीज़ें पे संवाद करते हैं और उन संवाद से जो चीज़ निकल के आती हैं, जो इश्यूज निकल के आते हैं उनके ऊपर एक पूरा प्लान बना के हमारी टीमें काम करती हैं और पत्रकारिता के माध्यम से उनको, पत्रकारिता के माध्यम से उनको उठाया जाता है ताकि उनका कुछ ना कुछ नतीजा निकले और लोगों को राहत मिले। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनमें इस तरह के भाई साहब के दौरे यात्राएं दो दो बार हो चुकी है एक एक जिले में जाकर। मुझे नहीं लगता कि आज किसी भी बड़े अखबार का के कोई प्रधान संपादक या चेयरमैन जो भी हैं वो इस तरह की यात्राएं करते होंगे। चुनाव के समय एक एक जगह भाई साहब जाते हैं और वहाँ लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं कि उनके जनप्रतिनिधियों ने पिछले जनप्रतिनिधियों ने क्या वादे किए थे, क्या निभाए, क्या अभी तक बाकी हैं मुद्दे, आगे क्या सोच रहे हैं वो, इन सब पे चर्चा करके एक अखबार के माध्यम से एक वो देने की कोशिश करते हैं कि लोगों को
थोड़ा सा समझ में आए कि हमको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, और भी कई तरह की चीजें। तो इस तरह के अलग तरह की एक पत्रकारिता आप देखेंगे जो पत्रिका समूह करता रहता है, और इसी को आगे बढ़ाने के लिए भोपाल उत्तर प्रदेश की यात्रा पर निकले हैं। अभी लखनऊ, कानपुर के, रायबरेली, प्रतापगढ़ में इसी तरह के आयोजन करते हुए आज इधर प्रयागराज में आए हैं और आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं। यही हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। उम्मीद है आपके संवाद में कुछ इस तरह के नतीजे सामने आएंगे जिन पे हम आगे अच्छी तरह से काम कर सके। धन्यवाद।